रिश्तों के बिन। तो नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अंतर्यामी गेमिंग नामक चैनल पर। और हम लेकर आ गए आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो हमारे चैनल की, बोले तो सेटअप टूर, कि हमारे सेटअप में हम क्या क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, स्ट्रीम कैसे करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे काम में आते हैं। तो एक एक करके हम सब चीजों को बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा बड़ा भाई, और ये भी सर, मतलब हर एक चीज इम्पोर्टेंट ही है। तो स्टार्ट किससे करें पहले तो ये नहीं समझ आ रहा। तो पहले हम सबसे पहले जो हमारे सेटअप की नींव है, लाइक जिसपे पूरा सेटअप खड़ा होता है, तो वो है ये टेबल, काफी स्ट्रॉन्ग टेबल है। और ये हमने ज़ेप्रोनिक्स की ये टेबल है, ये हमने अमेजोन से ऑर्डर की थी कुछ 20K की, ये मेरे को पड़ी थी और बहुत अच्छी टेबल है, मस्त एकदम। मतलब देख रहे हो आप, पीसीबीसी पे रखता है दोनों, डिस्प्ले भी इसी पे है, कीबोर्ड माउस सब इसी पे एडजस्ट हो जाता है। तो ये है हमारी टेबल। अब बात करें ये जिससे हमारी ओपी आवाज़ आती है, जिसके काफ़ी लोग फैंस हैं, मतलब थोड़ा बहुत भौकाल है। तो ये हमारा माउस, हमारा ब्लू यति, जो कि हमने बहुत टाइम बाद लिया, मतलब पहले ले नहीं पाया। पहले हम यूज़ करते थे ब्लू का ही स्नोबॉल, वो बहुत अच्छा माइक है, बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत साथ दिया उसने वाइट। और अब हमने फिर ब्लू यति पे अपग्रेड किया है, जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मस्त है एकदम। उसके बाद आता है हमारा हेडफोन, हेडफोन है हमारे बोस के QC35, आई गेस, मैं सही से, मतलब मेरे को पता नहीं है एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि ये हमें युवराज भैया ने गिफ्ट किया था, जो कि हमारे सपोर्टर हैं और सब कुछ है हमारी अंतर्यामी फैमिली के बैकबोन, तो उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया था। तो ये है बोस के QC35, बहुत ही ओपी हेडफोन है, वायरलेस है, आप यूज़ करो, बाहर आपको चार गालियां कोई दे के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, सही बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं आता। तो ये हो गया हेडफोन और हो गया हमारा माइक, ये माइक का स्टैंड है, मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने वेबकैम की। तो वेबकैम हमने लगाया हुआ है लॉजिटेक का C922 Pro, स्टार्टिंग से ही हम यही यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले कोई वेबकैम नहीं यूज़ किया, यही यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब फ्यूचर में अपग्रेड करने की प्लानिंग है बहुत जल्दी, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है C922 Pro और शुरू से एंड तक बहुत साथ दिया इसने भी। अब हम चलते हैं सबसे पहले सेटअप के बारे में बताते हैं। तो पहले हमारा ये एक नॉर्मल LG का 1080p मॉनिटर जो हम यूज़ करते थे, और साथ में 1660 6GB वाला हमारा PC, छोटा वाला, छोटा भाई जो कि अपग्रेड होके बड़ा हो चुका है, वो यूज़ करते थे, वो अभी काम में नहीं आ रहा है, अभी जल्दी हम करेंगे डबल PC सेटअप, वो अभी नहीं किया है। तो पहले ये हमारा सेटअप था, स्नोबॉल माइक यूज़ करते थे, ये LG का मॉनिटर यूज़ करते थे 1080p और इंटेल i5 9th जनरेशन 1660 यूज़ करते थे हम उसमें 6GB पुराने PC में। अब बात करते हैं कि अब हमने क्या क्या चीज़ें नई अपग्रेड की हैं। तो ये जो हमारे हाथ में परमानेंट रहता है हमारा माउस, लॉजिटेक 402, बहुत अच्छा माउस है, बहुत सारे बटन है, कसम से मज़ा आ जाता है, कस्टमाइज कर सकते हो आप इसकी DPI भी इधर ही से बटन के थ्रू, और बहुत अच्छा काम करता है, अभी तक तो हम इससे खुश हैं, अभी कोई मेरे को लग नहीं रहा कि अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कुछ टाइम और चलाएंगे 2-3 महीने, फिर उसके बाद देखेंगे, इसका बड़ा भाई भी है मार्केट में तो वो प्लान करेंगे, ले लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड अभी हमने लिया है, पहले हम ऐसे ही नॉर्मल सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे थे, क्योंकि पहले ज़्यादातर हम PUBG Mobile ही खेलते थे, अब PC गेम खेलने लगे हैं। तो कीबोर्ड हमारा है G813 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, लॉजिटेक की तरफ से आने वाला, बहुत अच्छा कीबोर्ड है, मतलब एकदम मक्खन चल रहा है इस पर, कभी मतलब ऐसे प्रेस करने में भी बड़ा मज़ा आता है, फालतू ही प्रेस करते रहो, बहुत मज़ा आता है। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड, ये हमारा माउस हो गया, ये हमारा माइक हो गया, टेबल हो गई, और ये माउस पैड अभी हमने ऑर्डर किया है, कुछ 1200-1300 रुपये का था ये माउस पैड, RGB माउस पैड है और अच्छा माउस पैड है, पर सही बताओ तो मैं दूसरा ले लूँगा यार, इस पर मैप बना हुआ है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, एकदम सिंपल चाहिए था मेरे को, सही नहीं लगा, तो ये चेंज हो जाएगा, पर अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं मॉनिटर की, जो मेन मॉनिटर है, ये हमारा मॉनिटर है BenQ का 7F
76 ये भी हमें युवराज भैया ने गिफ्ट किया था, जो कि हमने बोला बैक बोन ऑफ अंतर्यामी फैमिली। बहुत अच्छा, बहुत ओपी मॉनिटर है, इसको तो अभी सोच भी नहीं रहे हम लाइक अपग्रेड करने का, बिल्कुल भी प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत मस्त चल रहा है। मेन मॉनिटर हमारे यही है जिसपे हम गेम्स खेलते हैं, पीसी गेम्स खेलते हैं और स्ट्रीमिंग भी होती है, तो हम मेन मॉनिटर का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये मॉनिटर बहुत तगड़ा मॉनिटर है, 2K मॉनिटर है, एकदम ऐसी तैसी कर देता है, मतलब बहुत मस्त मॉनिटर है, ओपी। अब बात करते हैं जो कि दुख दुख वाली चीज़ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सेटअप की, बहुत ही लाइक क्या ही बोले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सेटअप की, वो है हमारी रिंग लाइट। रिंग लाइट है हमारी जो कि कुछ 3,500-4,000 की थी, और पॉइंट की बात यह है कि ये भी युवराज भैया ने गिफ्ट की थी। थैंक यू भैया, यार पूरा सेटअप करा दिया, क्या बात कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच युवराज भैया, ये हमारी रिंग लाइट अभी पीछे लगी हुई है, 3,500-4,000 वाली रिंग लाइट है, डिजिटेक की आई गेस, बहुत बढ़िया है, विद स्टैंड, ओपी काम करती है। देखो लाइट के सेटअप में क्या है, जो मेरे रूम पे लाइट लगी हुई है और एक रिंग लाइट, पूरा काम हो जाता है। ग्रीन स्क्रीन मेरी पीछे पड़ी हुई है, ग्रीन स्क्रीन, उसका क्या सीन है, जब मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी तब मैंने ग्रीन स्क्रीन ली थी 1200-1300 रुपए में, तब से वो चल रही है। आज दो साल तो होने वाले होंगे, मार्च में ही होंगे 2 साल, तो तब से वो एकदम मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया चल रही है, 1200-1300 में काम हो गया था तो वो चल रही है अभी। अब बात करते हैं जिस पे हम बैठते हैं, गेमिंग चेयर, एनटेक की तरफ से आने वाली, सॉरी एंड स्पोर्ट की तरफ से आने वाली, ब्रांड चेंज कर दिया सॉरी, क्योंकि ये भी हमने नहीं ली थी, ये युवराज भैया ने हमको गिफ्ट की है, तो उनकी दी हुई है ये चेयर, और बहुत ओपी चेयर है लाइक फुल, एकदम आप एकदम लेट जाओ और लेट जाओ। और सबसे अच्छी चीज़ तो जब आप ज़्यादा आपकी अझेल हो जाए, जैसे कोई हल्की कर दे, जैसे कि पता है आपको हमारी स्ट्रीम पे करते रहते हैं लोग, तो इसको ऐसे खोलो, पैर रखो, सो जाओ, बैठ जाओ, मतलब एकदम मस्त कंफर्टेबल है इसके ये दोनों भी, ऐसे दोनों छोटे भाई राइट और लेफ्ट, ऊपर नहीं होंगे, अच्छा पूरे ऊपर है, नीचे ऊपर हो जाते हैं, राइट लेफ्ट हो जाते हैं, और चेयर पीछे पूरा चल, सॉरी गुस्सा हो क्या, और इसको भी वापस अंदर कर देते हैं, मस्त है, सबसे मजा आती ये करने में आया है। उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है, चलो कोई नहीं। अब गाइस देखो बात करते हैं क्या हो गया, बचा क्या, माइक हो गया हमारा, कीबोर्ड हो गया हमारा, माउस हो गया हमारा, मॉनिटर्स हो गए हमारे, कैमरा हो गया हमारा, सीपीयू को अभी रुको जरा सबर करो, सीपीयू भी बाकी है, टेबल हो गई हमारी, अब बचा हमारा ये छोटा भाई, इसने हमारे स्ट्रीमिंग में बहुत साथ दी, एलगाटो SG60S, ये हमने सेकेंड हैंड खरीदा था जब हमने स्टार्ट की थी, हमारा स्ट्रीमिंग करियर स्टार्ट किया था, तब हमने इसको सेकेंड हैंड लिया था, कुछ 5,500-6,000 में मिल गया था, उस समय इसका प्राइस था कुछ 14,000 रुपये, 13,000-14,000-15,000 ऐसे कुछ था, पर सेकेंड हैंड मिल गया था, तो तब से ये चल रहा है, जब से मेरा गेमिंग चैनल स्ट्रीमिंग हो रही है तब से ये चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी चल रहा है भाई, पूरा साथ दे रहा है, कसम से दिल में उतर गया है। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक चीज होती है, एक फोन के स्ट्रीमर लाइक जो फोन के गेम्स खेलते थे, पबजी मोबाइल, फ्री फायर या कुछ भी, एलगाटो के थ्रू, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये एप्पल अडॉप्टर, ये भाई इतना दिमाग खराब करता है ना, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन जल्दी मिलेगा नहीं, जल्दी मिलता नहीं है, और ये हर 2 महीने में 1 महीने में खराब हो जाता है, और अचानक से खराब होगा और फिर आप पागल हो जाओगे कहाँ से खरीदे, और ये कुछ 4,500 का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके बिना नहीं हो सकता, पर ये मिलता नहीं है, इसलिए हम एक दो एक्स्ट्रा रख लेते हैं खरीद के जब भी ये स्टॉक में आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, हमारा एलगाटो हो गया। अब गाइस आते हैं मेन पार्ट पे, जिससे हमारी स्ट्रीमिंग होती है, जिसके लिए आप सब बैठे हो, जिसका भोकाल आपने इंट्रो में देखा, जिसका भोकाल आप इधर उधर देख रहे हो, मतलब हमारे मिस्टर पीसी वाले जिन्होंने बिल्ड किया है। तो अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि जिससे जो लाइक एकदम हार्ट है स्ट्रीमिंग का, जिससे अभी तक सब चला रहा है, वो है हमारा मोबाइल, इससे हम पबजी खेलते हैं, तो ये भी सेटअप के हिस्से में आता है, तो ये हमारा आईफोन 11 प्रो मैक्स, अच्छा चल रहा है, तो अभी वैसे भी 12 चूतिया लगा मेरे को, तो मैंने यही रखा हुआ है, 12 मेरे को सच में अच्छा नहीं लगा, इससे पहले था मेरे पास XR,
और उससे पहले मैं आईपैड से स्ट्रीम करता था, तो लोगों ने बोला आईपैड टट्टा, तो मैंने चेंज किया, मैं फोन पे आ गया। मतलब ऐसा था, आईपैड के थ्रू स्ट्रीमिंग चालू की थी, फिर XR लिया, फिर ये लिया। सबसे पहले वन प्लस सिक्स से चालू की थी स्ट्रीमिंग मोबाइल, वन प्लस सिक्स से वाडू के साथ। हाँ, तो मोबाइल हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, इंसान बचा है, मैं हूँ, ये मैं हूँ जो सबसे ज़्यादा काम आता है, मैं स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है, तुम नीचे हो जाओ। अब गाइस इसकी बात कर लेते हैं। ये अभी अभी भोकाल हमने बिल्ड करवाया है। अगर आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से बिल्ड हुआ है, तो ये बिल्ड हुआ है मिस्टर पीसी वाले, उनका गेमिंग चैनल है, टेक चैनल है। तो वो मतलब उन्होंने ये बिल्ड किया है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले, हमने मॉनिटर का एक स्टैंड भी मंगवाया था, जिसपे हमारे दो मॉनिटर टिके हुए हैं, और उसमें एक की जगह और है, शायद तीन वाला, ये कुछ 3,500 रुपये का पड़ा था, बेस्ट अमेजोन पे मिल गया था मेरे को, कंपनी नहीं याद है, और सब सही है। अब बात कर रहे हैं सीपीयू की। तो गाइस ये है सीपीयू हमारा, बहुत ही प्यारा। इसमें क्या स्पेशल चीज है, रुक जाओ मैं थोड़ा चेयर सही कर लेता हूँ। गाइस देखो, ये है सीपीयू हमारा। इसमें क्या था कि मेरे को एक सीपीयू चाहिए था। अब जब से मैंने स्ट्रीमिंग चालू की, सब कुछ हुआ, आप लोगों ने प्यार दिया, अंजलि वाली वीडियो, भैया बड़े भैया वाली वीडियो, सब कुछ प्यार मिला, सब कुछ अच्छा चला। मेरे को एक सीपीयू चाहिए था, और इतने दिन बाद ले रहे हैं, तो थोड़ा सोचा फ्यूचर प्रूफ लें और भौकाल लें। तो काफ़ी सारे ऐसे कैबिनेट देखे, बहुत सारे कैबिनेट देखे बाद में, और मेरे को वाइट चाहिए था कैबिनेट, क्योंकि अब मैं जहाँ शिफ्ट होने वाला हूँ, वहाँ पूरी मैं वाइट थीम करने वाला हूँ अपने गेमिंग रूम की। तो वाइट में ये मिला, एनटेक का टोक्यो, बहुत ही अच्छा कैबिनेट। मतलब देखने में ऐसा लगता है ना, ट्रांसफॉर्मर का छोटा भाई, मतलब अगर रियल आँखों से देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ओपी। इसका जुगाड़ कराया हमारे शादाब भैया ने, बहुत ही बढ़िया उन्होंने पीसी बिल्ड किया है। अब इसके पीसी स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पीसी स्पेक्स में क्या क्या है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं, देखो इसका प्राइस मैं आप लोग अंदाज़ा लगा लेना, मैं बता दूंगा इसमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, कौन कौन से इसमें लगा हुआ है सामान, समझ रहे हो, ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड और प्रोसेसर और पावर सप्लाई, रैम, सब बता दूंगा मैं। प्राइस का अंदाज़ा लगा के कमेंट करना, हम बताएंगे कि आपने सही प्राइस गेस किया है कि नहीं किया है, हम दिल से हर्ट देंगे क्योंकि दोनों किडनियाँ गायब हैं, सही बता रहे हैं। तो इसमें कैबिनेट लगा हुआ है एनटेक का टोक्यो वाइट, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया, शार्क फिन बहुत ओपी लगता है इसके ऊपर। आसुस थॉर 850 वॉट की इसमें SMPS लगी हुई है, जो कि इधर वॉट भी बताती है, थोड़ा भौकाली लगता है देखने में। और थर्मल टेक के 360mm वाइट IAIO, आई डोंट नो, जो मेन चीज़ें हैं वो मेरे को बता हुआ है। स्पेक्स भैया ने भेज दिए थे कि ये स्पेक्स हैं आपके पीसी के, जो मतलब एकदम कोर चीज़ें होती हैं ना, वो मेरे को पता है, ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर, पर जो एकदम डेप्थ चीज़ें होती हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। और इसमें फ़ैन लगे कूलर मास्टर के, हेलो वाइट, वाइट फ़ैन है, बंद भी कर दूँ ना अगर मैं पीसी, तब भी दिखने में ओपी लगता है। मदरबोर्ड इसमें लगा हुआ है आसुस क्रॉसेयर का VIII फॉर्मूला, आई डोंट नो, देखो गैस कर लेना, मैं इतना टेक मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है AMD Ryzen 9 5900X, वो इतना पता है यार, इतना थोड़ी कोई टोपी पहना कुछ भी दे देगा रख लेंगे, इतना तो पता है यार, ठीक है। प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम इसमें लगी हुई है जी स्किल की ट्रेडियंट जेड रॉयल, जो कि डायमंड रैम है, मतलब मैं तो डायमंड रैम बोलता हूँ, 16 की चार स्टिक लगी हुई हैं, 64GB की रैम लगी हुई है, 3600MHz की। और इसमें क्या क्या स्टोरेज है, 1TB का, क्योंकि स्टोरेज के लिए हमारे पास एक और पुराना पीसी है, तो इसका ज़्यादा काम नहीं होता है, स्टोरेज अपग्रेड भी करवाने ही वाले हैं हम, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज लगी हुई है सैमसंग 870QVO 1TB की, GPU एक्सटेंशन लाइन ली का स्ट्रीमर 8-pin वाला, ठीक है, ये हो गया, ये आप लोग बता देना क्या होता है कमेंट में। अब GPU, मेन GPU की बात कर लेते हैं, GPU कौन सा लगा हुआ है, बोले तो ग्राफिक कार्ड, जो कि दिल है इसका, समझ रहे हो, दिल जिगरा जो भी बोल लो, और जिसको लेने में हमें सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था, समझ रहे हो, तो वो GPU इसमें लगा हुआ है 3090i Chill का। अब आप देख लेना उसका प्राइस क्या है, और तब हमें थोड़ी सद्भावना देने आ जाना कि भाई खराब लगा तुम्हारे लिए, ठीक है। कीबोर्ड बाकी हमने आपको बता दिया। तो ये था एक छोटा सा सेटअप टूर,
बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी आप थोड़ा एंटरटेन करना जानते हो। अभी तो मैं दोनों पे स्ट्रीम कर रहा हूँ, फेसबुक मैं समझा दूं मैं कैसे स्ट्रीम करता हूँ। मैं ऐसे पीसी पे बैठ जाता हूँ, टेबल पे अपनी चेयर पे सॉरी, और एल्गाटो की ये वायर है, एल्गाटो कनेक्ट किया, हेडफोन कनेक्ट किया, इस मॉनिटर में चैट चलती है, फेसबुक और यूट्यूब दोनों की चैट चलती है क्योंकि मैं दोनों पे स्ट्रीम करता हूँ, तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों की चैट्स चलती हैं, और इसी के बैकग्राउंड में OBS रन कर रहा होता है। OBS आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है, बस कभी कभी देखना पड़ता है सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो दोनों चैट्स चलती रहती हैं। बाकी चीज़ें इस मॉनिटर पर मैं मैनेज कर लेता हूँ छोटे छोटे टैब्स में। बाकी मेन PC हमारा ये है, जब मैं मोबाइल गेम खेलता हूँ तो OBS इसमें चलाता हूँ सामने, और इधर ही चैट चलाता हूँ ताकि आपने देखा होगा मैं सामने से चैट पढ़ता हूँ तो तब इसमें चलाता हूँ। जब मैं PC गेम्स खेलता हूँ तो सारी चीज़ें इधर शिफ्ट हो जाती हैं और इसमें PC गेम चलता है। बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में। तो ऐसा था हमारा सेटअप। अब आप गेस कर लेना एक चीज़ और, जैसे मैंने PC का बोला कि कमेंट करके बताओ मेरे को कितने का पड़ा होगा ये पूरा, लाइक PC पूरा कितने का पड़ा, अब मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि ये पूरा सेटअप जो मैंने बोला ये मेरे को कितने का पड़ा होगा, पूरा सेटअप टेबल से लेके एक एक चीज़ लाइक मेरा फोन भी, हाँ मेरा फोन भी ये कुछ 135,000 का था, मैं फट गई थी, तो ये टेबल से लेके एक एक चीज तक आप लोग पूरा काउंट करके बताओ कितने का पड़ा, कमेंट करो अमाउंट, उसको मैं लाइक भी दूंगा, हर्ट भी दूंगा, और क्या कहते हैं तो रिप्लाई भी मिलेगा कि हाँ भाई तू सही है, आ जा दोनों भाई हाथ में मिला के खेले, मतलब ठीक है, मतलब दुख समझेगा वो हमारे जो पूरा ऐसा काउंट कर ले। तो ऐसा सीन था। अब क्या वाईफाई का बिल भी बताएं कितना आता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, सब सही है, बाकी सब सही है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा क्यूट सा, क्यूट तो नहीं भौकाली है यार, कानपुर के हैं तो भौकाली सा सेटअप हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉलो कर देना फेसबुक पेज को, डेली लाइव आते रहते हैं, आपको पता है अंतर्यामी गेमिंग, अंतर्यामी ऋषभ वर्मा फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेकेंड और थर्ड चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, PC के सारे स्पेक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये PC बिल्ड किया है मिस्टर PC वाले ने, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस। और क्या हम खुद आ गए डिस्क्रिप्शन में, बस अब जाओ तेजी गल